प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। उसकी मौजूदगी में सबका स्वागत है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होते हैं तो बाइबल कहता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और फिर वचन कहता है, बाइबल सिखाता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, वह उसके साथ एक महिमा में स्थानों में रहने लगता है। खुदावन का आत्मा आज आपके जीवन में जाहिर हो और प्रकट हो। उसकी उपस्थिति शक्ति के साथ, बड़े बल के साथ आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर के प्रिय संतानों, खुदावन का आत्मा कहता है कि मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, मैं तेरे जीवन को आशीषित करना चाह रहा हूँ, मैं तेरे अंदर के बल को और बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं तुझे उस गड्ढे से बाहर निकालना चाह रहा हूँ। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया है कि वह खुदावन जो सारी सृष्टि की रचना किया, जैसा कि बाइबल बताता है, वचन सिखाता है कि उसने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने रेस्ट किया। आप जानते हैं कि वह परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और उसका प्रेम करने का कारण क्या है कि उसने आपको बनाया है, उसने हम सबको रचा है। उत्पत्ति अध्याय 1:26 के अनुसार वो हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना करके हमें खड़ा किया, इस धरती पर रखा है। इसलिए आज उसकी सामर्थ्य, आज उसका वैभव, आज उसकी योजनाएं हमारे आपके जीवन में पूरी होंगी यीशु के नाम में। देखिए, परमेश्वर का आत्मा बाइबल का एक वचन सिखाता है कि निकुदेमुस रात के समय जब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए जाता है तो यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि निकुदेमुस, तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। जब तक तू नया जन्म नहीं पा लेता, जब तक तू नया जीवन नहीं पा लेता, तब तक तू स्वर्गीय राज्य का हिस्सा नहीं हो सकता। तुझे नया जन्म लेना है, तुझे नया बनना है निकुदेमुस। तो वो कहता है कि क्या हमें माता के गर्भ में फिर से जाना होगा? तो वो बात को ना समझ था, वो नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह की वो अलौकिक बातें जिसके द्वारा इंसान एक नया जन्म पाता है, एक नई परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में देखता है, या हम कहें कि परमेश्वर के आत्मा के प्रति समर्पित हो जाना, उसके वश में हो जाना, परमेश्वर के वश में हो जाना, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद होती है। जब इंसान पापों से प्रायश्चित करता है, गुनाहों से वो अपना मन फिरा लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक नया लेख परमेश्वर का आत्मा लिखता है और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे कदम होते हैं जो उसके ज़िंदगी में सफलताओं को लाते हैं। तो परमेश्वर के संतान, खुदावन के साथ हम जब आज हैं, तो प्रभु ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा कि सो अब जो मसीह में हैं वे एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो पुरानी चीज़ें मनुष्य को क्या करती थी, जैसे कि पुराना दाखरस नई मस्क में नहीं डाला जा सकता, उन्हें स्थिर नहीं किया जा सकता क्योंकि मस्कें फट जाती हैं। इसलिए कहता है कि नया शरीर नया दाखरस, तो हमारे जीवन के लिए वो उपयोगी होता है जब हम प्रभु के पास होते हैं। संपूर्णतः हमें मसीह के वश में हो जाना एक नया जीवन है, या परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण रीति से जगह देना ही एक नया जीवन है, या हम जब उसकी उपस्थिति को पसंद करते हैं और उसकी उपस्थिति में हम चलना, 100% उसकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, यह आपको एक नए जन्म की ओर यह संकेत करता है। देखिए, परमेश्वर हमें बाइबल कहता है कि सनातन कालीन का जो परमेश्वर है, जो उत्पत्ति की घटना से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बातों को वो किस रीत से हमारे आपके लिए यूज़फुल बना दिया, हमारे आपके लिए उपयोगी बना दिया। जब इन चीज़ों में हम जाते हैं, जब अपने आप को वचन की तरफ लेके जाते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाओं के, जो उनकी आज्ञाएँ हैं, जो वाचाएँ हैं, उसकी ओर हम अपने आप को लेके जाते हैं, तब हमारे जीवन के
के लिए ऐसे कई रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं जो खुल जाते हैं, जहाँ पर हमें सही चीज़ करने का एक बल मिलता है, सही चीज़ सोचने का एक बल मिलता है और सही रास्तों पर चलने का एक बल मिलता है। नहीं तो तब तक जब तक इंसान पुरानी दाखरस में रहता है, अर्थात पुराने विचारों में रहता है, मतलब गुनाह के, पाप के और तमाम व्यभिचार के, लुच्चपन के विचारों में होता है, नशों के विचारों में होता है, दूसरों के हानि करने के विचारों में होता है, ईर्ष्या करने के आदतों में, विचारों में होता है, तब वह एक पुरानी परिकल्पना को अपने अंदर रखता है, जिससे उसके जीवन में सफलता के रास्ते नहीं खुलते हैं और वो व्यक्ति कितनी भी क्रूरता के कारण धन को प्राप्त कर ले, कितनी भी व्यभिचार के कारण वो अपने पैसे को कमा ले, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी तबाही होती है जो उसके ही जीवन को खाती रहती है। उसमें ऐसी कुछ भी शांति नहीं होती है, उसमें कुछ भी परमेश्वर का अलौकिक बल नहीं होता है और वो अंधियारे में ही जीने वाला एक व्यक्ति कहलाता है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। वह परमेश्वर जो हमारा ख्याल करता है, बाइबल कहता है तू बहुत गौरैयों से बढ़कर है। कुछ पैसों में 5 गौरैयां मिलती हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें से बगैर पिता के इच्छा के बिना कुछ भी भूमि पर, एक भी भूमि पर नहीं गिरती हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। वो आपका वैल्यू कितना रखता है, वो आपको कितना इम्पोर्टेंस देता है परमेश्वर, आप कितने महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर के लिए, आप कितने महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, वो किस रीति से परमेश्वर आपका सपोर्ट करता है। वो कह रहा होता है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, बाइबल कह रहा है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मसीह झील पार करके गिरासीनियों के देश में जाते हैं, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होता है, जो बहुत दुख में होता है, आंसुओं में होता है, उसका परिवार छोड़ देता है, उसके घराने, उसके नाते, रिश्तेदार, उसके सारे लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है इब्रानियों 13:8 में कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। और यीशु मसीह एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए झील पार करके जाते हैं। तो परमेश्वर सोच लो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर यूहन्ना 3:17 का वचन पढ़ें तो लिखा कि परमेश्वर ने जगत से या आपसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि वो आप पर दंड की आज्ञा दे, वो आपसे इसलिए प्रेम किया कि आप उस पर विश्वास करके उद्धार पाएं। तो ये परमेश्वर की ताकत है, ये परमेश्वर का बल है, ये वो आपको उस गंदे लतों से, गंदे विचारधाराओं से, नशों से और बेविचार और पाप की और सांसारिक वासनाओं से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है। बाइबल का वचन कहता है इफिसियों 5:10 में कि परमेश्वर को क्या चीज़ें भाती हैं वही हमें अपने जीवन में करना चाहिए, प्रभु को क्या चीज़ अच्छी लगती है वही हमें अपने जीवन में उसको सोच करके उसे करना चाहिए। प्रभु हमारे आपके जीवन के लिए वो खुद देखता है और हमारे आपके जीवन में जब वो देखता है तो वो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देखना चाहता जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो पिता को अच्छा नहीं लगता है। याद रखें, एक शब्द कहेंगे कि परमेश्वर आपका ख्याल करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।